सतीनाथ दास ने लिखा है, क्यास्तु संतान अस्तित्वगत ही है, जन्म से ही वो होती है वैसी, सुसंतान के लिए हम लोगों का सजग चलन कैसा हो, इस पर कुछ कहें प्रभु। ये विज्ञान मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है कि व्यक्ति जन्म से ही वैसा होता है या परिवेश के कारण वैसा होता है। तो हम इसको बहुत संतुलित ढंग से देख सकते हैं। ज्ञान मनोविज्ञान जो विकसित हुआ है इस विषय पर वो अब स्पष्ट है, उसमें कोई भी अब संशय भ्रम या ऊहापोह नहीं है। हम जानते हैं अब कि व्यक्ति की एक मौलिक संरचना तो होती ही है, एक मौलिक ओरिजिनल प्रोग्रामिंग तो उसको मिली होती है, उसकी जो जेनेटिक प्रोग्रामिंग है, और बहुत कुछ परिवेशगत भी तत्व होते हैं जो उसको शेप देते हैं। जेनेटिक कंडीशनिंग एक पहलू, और फिर जो कंटिन्यूअस कंडीशनिंग होगी वो एक चीज, दोनों का जो एक मिक्सचर होगा और दोनों का संतुलन होगा वो किसी भी बच्चे को सुसंतान कुसंतान हम जो भी शब्द देना चाहें उसमें वो बदलेगा, यानी कि उसको अच्छे रास्ते की तरफ ले जाने वाला भी हो सकता है, बुरे रास्ते की तरफ ले जाने वाला भी हो सकता है। ये बात तय है कि जन्म से ही एक बहुत मात्रा में एक जेनेटिक प्रोग्रामिंग मिलती है। अब जेनेटिक प्रोग्रामिंग सीधी सीधी ये नहीं है कि सीधे उनके माता पिता से ही आई है, उसका एक पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, वो भी हम आज जानते हैं। तमाम बीमारियां और तमाम जो हैबिट्स हैं वो तो माँ बाप से सीधे आती ही हैं डायरेक्ट। और अभी ये सबसे ज़्यादा रिसर्च करने वाला विषय भी है, सबसे ज़्यादा शोध उस पर चल रहा है कि क्या क्या जा रहा है। हमारे माता पिता की समझ ना समझी, उनके जीवन के भावनात्मक उतार चढ़ाव, उनकी वृत्तियाँ, वो सब भी जा रहा है। और फिर एक व्यक्ति अगर हम देखें एक कंसेप्ट की तरह भी, तो वो एक पूरी ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो उस शरीर मन में कौन सी धारा मनुष्यता की ओपन हुई, रिफ्लेक्ट हुई और उसके अंदर उसकी प्रोग्रामिंग बनी, उसके तमाम फैक्टर हो सकते हैं। तो एक ढांचा तो लेकर बच्चा आ ही गया है, जीवन में जब वो आया है तो एक ढांचा लेकर तो आ गया है, लेकिन अब इस ढांचे को हमें भरना होगा। जैसे एक स्केल्टन है, अब उसके ऊपर सारा सरंजाम होगा, मसल्स होंगी, उसके फ्लैश होगा, पूरा उसका एक रूप बनेगा। तो वहाँ पर हमारे शिक्षा संस्कार, हमारी जो आसपास की परिवेशगत चीज़ें एनवायरमेंटल कंडीशन, वो अपना काम करेगी। व्यक्ति की डेस्टिनी भी जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो उसकी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, लेकिन कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग मोमेंट टू मोमेंट हो रही है। बस यहीं पर छोटी सी बात समझने की, कुछ ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं हो गया है कि ऐसा हो गया है तो बात खत्म हो गई। लगातार अब मान लीजिए इस समय मुझे सुन रहा है कोई, एक नई कंडीशनिंग और एक नई प्रोग्रामिंग बन रही है, कोई कितने मनोयोग से कितने भाव से सुन रहा है वो अलग कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग बना रही है। यानी कि इतने लोग, जितने लोग भी मुझे इस समय सुन रहे हों, तो ऐसा नहीं कि मेरे सुनने से एक ही प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग सबकी बन रही होगी, लेकिन इंग्रेडिएंट तो इधर से जा रहा है, जो उसका तत्व है, जो इनपुट है उस कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग को आकार देने का, वो तो जा रहा है, उसकी अपनी स्पष्टता है, वो स्पष्टता से चला गया। लेकिन जिस जिस शरीर मन से वो टकराया, यानी कि सुना जिस जिस शरीर मन ने, उसकी अपनी भावदशा क्या थी, उसकी अपनी समझ का स्तर क्या था, इस समय वो कैसी परिस्थितियों से घिरा हुआ था, उस तरह से
उसने उसको इंटरप्रेट किया या उसको आत्मसात किया और उस ढंग से उसकी एक नई प्रोग्रामिंग बनी, नई कंडीशनिंग बनी और फिर उससे एक नया व्यवहार निकलेगा, एक नई डेस्टिनी उसकी बनेगी। प्रक्रिया यही है, प्रोसेस यही है। तो आप पूछते हैं कि हम लोगों का क्या व्यवहार हो, क्या चलन हो, तो हम लोगों के लिए देखिए यही है कि हम जितना प्रामाणिक हो सके उतना प्रामाणिक हो। हमारे जीवन में जो चीज सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए वो हमारी प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। जीवन को हम अगर प्रामाणिकता से जिएंगे और अपनी संवेदनाओं को विकसित करेंगे, अपनी समझ को विकसित करेंगे, तो बच्चे भी उसे आत्मसात करेंगे। अक्सर देखिए क्या होता है, माँ बाप बच्चों को सिखाना चाहते हैं बहुत कुछ और वो खुद सीखते नहीं। बच्चे वही चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं जो आप जी रहे होते हैं, तो आप उस चीज़ को जिए। इसीलिए बच्चों का जन्म या उनका जन्म ना हो इस बात को सोचा जा सकता है। अगर आप बहुत अच्छी मानसिक भावनात्मक अवस्था में हैं, संतुलित अवस्था में हैं, तो संतान को जन्म दें। अगर आप नहीं हैं, आप तनाव में हैं, विचलित हैं, कुंठित हैं, किसी भी तरह के आप उसमें हैं, डिसऑर्डर में हैं, तो बच्चे का जन्म ना दें। क्योंकि बच्चा पैदा हुआ और मनोविज्ञान कहता है कि वो अपने 7-8 साल तक अपने जीवन का बहुत कुछ सीख लेगा और वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड सीखेगा, जो जो कुछ ऑब्जर्व करेगा। अब उसका ऑब्जर्वेशन इतना प्रकृति ने सशक्त दिया है कि हम कैसी भावदशा में हैं वो भी वो पकड़ रहा है, हमारी अंदर क्या चल रहा है, अंदर का वातावरण क्या है, वो सब भी वो पकड़ रहा है। तो इसलिए बच्चे के जन्म के साथ अगर वो 7-8 साल जो पेरेंट्स हैं वो बहुत मेडिटेटिव लाइफ जिए, सचेतन जीवन जिए, प्रसन्न शांत जीवन जिए, तो बच्चे पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वो कैसी भी जेनेटिक कंडीशनिंग लेकर आया हो, उसके ऊपर जो आधार के ऊपर जो इमारत खड़ी होगी वो थोड़ी फर्क हो जाएगी, तो उसके व्यवहार आगे और फर्क निकलेंगे। लेकिन अगर वो अच्छी भी कंडीशनिंग लेकर आया है, उसका जो नींव है, आधार है, वो अच्छी वाली भी आई है, लेकिन उसको परिवेश से लगातार बहुत सारी नकारात्मकता ही मिल रही है सीखने को, तो उसका भी उतना प्रभाव आ जाएगा। ये है कि उतना हो सकता है उसका सारा चाल चलन गड़बड़ ना हो और थोड़ा संभल जाए उसकी जो कंडीशनिंग है, जो जन्म से मिली है उसके कारण, लेकिन फिर भी उसका असर पड़ेगा। तो हम इन दोनों स्थितियों को बराबर का मूल्य देकर चलें, वही उचित है। एक भी चीज़ को हम कम और ज़्यादा मूल्य ना दें। अब मनुष्य के हाथ में क्या है, यानी कि पेरेंट्स हैं उनके पास क्या है, बच्चा क्या प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग लेकर आया ये तो उनको पता ही नहीं। ये शोध का विषय हो सकता है, आगे के रिसर्चर्स में ये चीज़ सामने आ सकती है। देखिए, मनुष्य ने शुरू से ये जानने की कोशिश करी कि जो बच्चा आया है ये क्या लेकर आया है, और कहीं ना कहीं जो प्रतिभावान बुद्धिमान लोग थे उनको ये लगता था कुछ तो लेकर ही आया है। उसी के कारण ज्योतिष का लोगों ने निर्माण किया, कुंडलियाँ बनाई, और उनको लगा कि भारत में तो बहुत प्रचलन है, हिंदू घरों में तो है ही है, कि बच्चे की कुंडली बनाएंगे, अनुमान लगाएंगे क्या लेकर आया है। लेकिन ये बातें अभी उतनी वैज्ञानिक नहीं थी, ये जानने की कोशिश थी, ये देखा जाए हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी। जितने भी उसमें तीर तुक्के आदमी बिठा सकता था, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और वगैरह वगैरह, ऑब्जर्वेशन, वो सब उसने कोशिश करी। लेकिन इससे एक बात है कि वो कोशिश कर रहा था और उसको कहीं से ये एहसास था कि बच्चा अपने अंदर कुछ प्रोग्रामिंग लेकर आता है। लेकिन अब ये चीज़ें व्यर्थ की हो गई हैं क्योंकि उनमें कुछ सार तत्व है नहीं। लेकिन आने वाले समय में हम अगर अपनी जेनेटिक स्टडी को बहुत आगे ले जा पाए तो एक जेनेटिक होरोस्कोप भी बच्चे की बन सकती है, यानी कि पूरा साइंटिफिक डेटाबेस जिसमें हम सारी चीज़ प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये
उम्र कि किस पायदान तक ये जा सकता है, प्रोबेबिलिटी किन किन बीमारियों का, किस किस उम्र में क्या क्या शिकार होगा, क्या क्या टेंडेंसीज होंगी इसके अंदर, कैसे कैसे मूड स्विंग्स आएंगे, क्या ये सारी चीज़ें तो अब पता हमको चलने ही लगी हैं। जैसे कि संबंधों में पिछली बार मैंने बात बताई थी कि स्टडीज़ में ये बात तक सामने आई कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के लिए भी पुश करने वाला एक जेनेटिक पुश होता है, वो उनकी प्रोग्रामिंग होती है। तो अब इस व्यक्ति को, इस जब बड़ा हो गया बच्चा, तो बहुत दोष नहीं दे सकते कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्रामिंग में पड़ा है। अब परिवेशगत प्रोग्रामिंग से क्या असर पड़ेगा कि पढ़ा है तो वो करेगा, तो यानी कि वो पुल तो उसको आएगा, लेकिन अगर उसने इस बीच कुछ चीज़ें सुधार ली हैं, कुछ नई प्रोग्रामिंग डाल ली, तो ज़रूरी नहीं वो वैसा एग्जैक्टली करे। खिंचाव होंगे तमाम चीज़ों के, लेकिन अगर उसने तमाम अच्छी बातें भी सीखी हैं और तमाम, तो वो भी उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो ये एक जेनेटिक मैप हम बाद में, हो सकता है निकट भविष्य में हम उसको ले पाएँ, तो वो बहुत सटीक से चीज़ों को बताएगा। तो दोनों का मूल्य होगा। अब जब ये सिचुएशन सामने है तब हम क्या करेंगे? मान लीजिए हमको ये पता चल गया कि 18-20 साल की उम्र में इसको ये बीमारियां आने वाली हैं, ये डायबिटिक होने वाला है, इसको हार्ट की प्रॉब्लम आने वाली हैं, तो हम उसको फिर वही लाइफस्टाइल उसकी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, उसका खान पान बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो उसको ज़्यादा अच्छा स्वस्थ जीवन जीने में सहायता करें। कुसंतान और सुसंतान, देखा जाए टर्मिनोलॉजी है, व्यवहारिक रूप से हम बहुत सारी चीज़ें उनका इनपुट डाल सकते हैं। माँ बाप जब सोचें कुसंतान सुसंतान के बारे में, तो पहले उनको अपने बारे में ही सोचना पड़ेगा कि हम कैसे रहे, हम अपने माता पिता के लिए कुसंतान रहे कि सुसंतान रहे, क्योंकि हमारा तो जेनेटिक ट्रांसफर भी होने वाला है और जो व्यवहार है वो भी जाने वाला है। तो अगर आप अपने माता पिता के प्रति प्रेमपूर्ण रहे, करुणापूर्ण रहे, प्रामाणिक रहे, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बच्चे भी वैसे जाएं। आप ही नहीं रहे और आप बच्चों से उम्मीद, अपनी संतान से पेरेंट्स उम्मीद करें कि इसको ऐसा होना चाहिए, तो ये थोड़ी उम्मीद असंतुलन वाली होगी। पेरेंट्स को इसीलिए सबसे पहले अपने बारे में ही चिंतन मनन करना है, वो क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, उन्होंने क्या जीवन जिया है, कैसा जीवन जिया है। अब देखिए, स्टडीज ये भी बताती हैं कि हमारी करेंट जो समझ है वो भी हमारे उस जेनेटिक मॉडल को इम्पैक्ट करते हैं। जेनेटिक मॉडल हमारी करंट बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, यानी करंट अंडरस्टैंडिंग को, वर्तमान समझ को, व्यवहार को, और वर्तमान समझ और व्यवहार भी इम्पैक्ट करती, प्रभावित करती। तो अगर हम बहुत कुछ अपने अंदर समझ के तल पर बदलते हैं, तो शरीर का ढांचा भी बहुत हद तक बदलता चला जाएगा, व्यवहार का ढांचा भी बदलता चला जाएगा। और ये इस बात से देखिए पूरी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि आदिम काल से आज तक मनुष्य कितना कितना बेहतर होता गया है, उसका शरीर और मन कितना बेहतर होता गया है, उसका व्यवहार, उसका जो सुसभ्य सुसंस्कृत होना, ये सब कितना कितना बदलता चला गया। क्योंकि शुरुआत तो सबकी उस एक निश्चित मात्रा के हिंसा से ही हुई थी, शिकार, भोजन, सर्वाइवल के लिए लड़ाई, फिर उसी शरीर मन में धीरे धीरे अलग अलग समझ के तल टूटते चले गए, तो आज का मनुष्य जो है बिल्कुल नई ज़मीन पर खड़ा हुआ है। तो ऐसे ही बच्चे भी होंगे, तो उनको अगर हमें नई ज़मीन पर खड़े हुए देखना है, तो हमें खुद उस नई ज़मीन पर खड़ा होना है। सीधी सी बात।
Thank you.